यूपी में यमुना का कहर है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हो सकती है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि 8.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से। उसके बाद जलस्तर जो यमुना का है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता रजनीश, इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। रजनीश, हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं? चित्रा, इस समय मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज पे। कालिंदी कुंज पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पहले तक ये सूखी हुई दिखाई देती थी, लेकिन 2 दिन के बाद इसमें जो उफान है वो साफ तौर पे देखा गया है। हालांकि अगर कल की अगर बात की जाए तो कल भी जो हथनीकुंड बैराज से करीब 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, और उसके बाद लगातार ये पानी छोड़ा जा रहा था, जिसके बाद जो है यमुना का जो ब्रिज है, जो लोहे का ब्रिज है, उसे सावधानी के तौर पर जो है कल शाम को ही बंद कर दिया गया था। हालांकि जो डिविजनल कमिश्नर है धर्मपाल, उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में यमुना में पानी का जलस्तर बढ़ेगा और दिल्ली में बाढ़ के आसार देखे जा सकते हैं, और इसी के चलते ये सब एहतियातन जो काम किए जा रहे हैं, जो यमुना के किनारों से जो लोग हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। साथ ही पूरी यमुना में जो है वो बोट के द्वारा गश्त की जा रही है, बोट क्लब के द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो लोग यमुना के किनारे बसे हुए हैं वो यहां से छोड़कर चले जाएं। साथ ही चित्रा, एक बात और यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पानी कल दोपहर से ही लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद यमुना के किनारे नहीं, करीब 500 मीटर तक ये कहा गया है कि आप 500 मीटर तक यहां से जो है जो झोपड़ियां बनी थी उन्हें यहां से पलायन करने के लिए कह दिया गया कि किसी सुरक्षित जगह। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप ताजा तस्वीरें दिखाएं। इसके साथ ही सवाल बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है, निचले इलाकों को निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं खाली करने के, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था उन लोगों के लिए सरकार की ओर से क्या की गई है? देखिये चित्रा, अगर बात की जाए पीछे, जो मेरा पीछे साफ तौर पे देख सकती हैं कि किस तरीके से जो ये कालिंदी कुंज पे इस समय मैं मौजूद हूँ, ये जो नदी की बात की जाए तो ये यमुना नदी है जो हरियाणा से बहती हुई दिल्ली से यूपी तक जाती है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लहरों का जो उफान है वो किस तरीके से कितना जो है डरावना है। और जो पुल की अगर बात की जाए तो सामने ये जो पुल है ये जो है नोएडा को दिल्ली से कनेक्ट करता है, और इस पुल के जो नीचे जो नदी जो बह रही है वो आप देख सकते हैं, ऊपर जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे कितनी कम दूरी है। हालांकि अगर कल की अगर बात की जाए तो कल ये जो डिस्टेंस था, ये जो पानी और ऊपर पुल का, ये काफी कम था, लेकिन अभी ये जो है आज ये जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेगा, जैसे जैसे जिस तरीके से 8.5 लाख क्यूसेक पानी और हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है, तो ये जो डिस्टेंस है वो लगातार कम होगा। और अगर बात की जाए चित्रा, जो एहतियातन के तौर पर जो प्रशासन की तरफ से जो काम किए गए हैं, जो आम लोगों के लिए जो ये यमुना नदी के जो किनारों पे बसे हैं उनके लिए कैंप लगाए गए हैं, शरणार्थी कैंप लगाए गए हैं, ताकि जब तक इस तरीके की स्थिति है वो उन कैंपों में रहें। और अगर बात की जाए इन कैंपों की संख्या की, तो फिलहाल ये कैंपों की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा तबका जो है, गरीब तबका यमुना के किनारे बसा हुआ है, जो खेती बाड़ी करता है, उनकी खेती पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, लेकिन जो है बचाव कार्य के नाम पर जो प्रशासन है वो लगातार दावे कर रही है कि लोगों को बचाया जा रहा है, लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, और जिसके लिए वो कैंप भी लगा रही है। लेकिन जिस तरीके से यमुना का उफान लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ये जो पानी है और बढ़ेगा, लोगों के लिए खासी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा इस वक्त बना हुआ है? रजनीश, देखिए चित्रा, सबसे ज्यादा जो बाढ़ का खतरा है वो जो वजीराबाद है, और जो तिमारपुर का जो इलाका है वो उस पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। साथ ही जो लोहे का पुल है, जो उसके आसपास के जो इलाके हैं वो खासतौर पे काफी जो सेंसिटिव घोषित किए गए हैं। साथ ही अगर वजीराबाद के पास की अगर बात की जाए तो वजीराबाद पुल के आसपास का जो एरिया है, और साथ ही लोहे पुल के आसपास का जो एरिया, जो पुराना पुल जो दिल्ली का कहा जाता है, उसके आसपास के एरिया को पूरी तरीके से खाली कराया जा चुका है। लोगों को जो है सड़कों पर कैंप लगा दिया गया है। बात की जाए अगर यहां की, रजनीश हमारे संवाददाता कालिंदी कुंज से हमें जानकारी देते हुए, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और इसी के साथ ही बढ़ती जा रही हैं लोगों की मुश्किलें भी। बहरहाल राहत कैंप लगाए गए हैं, निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन सभी को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।